लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी। बैतूल में अंधविश्वास के अंधे खेल में माता पिता अपने नवजात बच्चों की जान से खेल करा रहे हैं। आस्था के नाम पर बैतूल में ये खतरनाक खेल 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खेला गया। बता दें कि इन दिनों बैतूल में अंधविश्वास का अंधा खेल खेला जा रहा है। अंधविश्वास के अंधे खेल में माता पिता अपने नवजात बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आस्था के नाम पर बैतूल में ये खतरनाक खेल 12 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन खेला गया। जिन बच्चों को माता पिता ने मन्नत मांग कर पाया है, उन्हीं बच्चों को यहाँ ओझा पहले 5 से 6 फीट तक उछालता है और फिर पालने में रखकर उनको नदी में बहा देता है। उसकी अंधविश्वास से भरी परंपरा यही खत्म नहीं होती। बच्चों को नदी का दूषित पानी भी पिला दिया जाता है। यहाँ मान्यता है कि निसंतान दंपति कार्तिक पूर्णिमा को मन्नत मांग ले तो उन्हें साल भर के भीतर बच्चे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में निसंतान दंपति यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले में विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं। बच्चा होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ लोग अपने बच्चों को लेकर पूर्णा नदी के घाट पर पहुँचते हैं। यहाँ तांत्रिक और ओझा एक अलग ही तरीके से पूजा पाठ कराते हैं। घाट किनारे महिला के कपड़े पहने ओझा बच्चों को करीब 6 फीट तक हवा में उछालता है और फिर पालने में बच्चों को रखकर नदी की धारा में छोड़ देता है। लेकिन प्रशासन ने कभी इस खतरनाक पूजा की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।